हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जी हमारे न्यू ब्लॉग में जी। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। आप सब लोग कैसे हो, आई हो सब अच्छे होंगे जी। हम भी अच्छे हैं। और आज भाई सुबह सुबह मॉर्निंग ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है जी। सुबह सुबह की साफ सफाई से स्टार्ट करते हैं ये देखो जी, क्योंकि सुबह सुबह के तो वही काम होते हैं जी। तो चलिए जी, लगते हैं अपनी ड्यूटी पे, ये देखो जी। और हाँ भाई, खाने में मॉर्निंग तो आफ्टरनून व्लॉग बनने वाला है, और खाने में बनाने वाले हैं खिचड़ी स्पेशल, उसका ही व्लॉग है, तो व्लॉग अंत तक देखना है। ये देखो जी, सबसे पहले सफाई करते हैं। ये लो जी, लेके प्रभु का नाम और लग जाते हैं जी अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि वही सुबह सुबह वही होता है भाई, चाय पानी पी करके और साफ सफाई का ही कामकाज होता है जी। तो सबसे पहले वही जो रात को चादर, ज्यादा वो नहीं है ना सर्दी, लेकिन वही चादर तो थोड़ी सी ओढ़ के ही रखनी पड़ती है, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है ना, इसलिए तो भाई चादर को फोल्ड करके रख दिया। और अभी वही चादर, दूसरी चादर जो बिछा रखी है ना, क्योंकि भाई खेसले वगैरह तो थोड़े से इस टाइम पे ऐसे मौसम ऐसा ही हो रहा है, तो भाई ओढ़े नहीं जाते, इसलिए चादर ही ओढ़ के रखती हूँ। और भाई मेरा बेटा जी जाने के बाद में ऐसे लग रही है भाई जैसे हमने चादर को अभी अभी बिछाई हो, एकदम से ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है बिल्कुल भी, नहीं तो क्या है कि चादर की जगह ही नहीं मिलती थी, एकदम से उछल कूद करती हुई। और सच ही बोलते हैं जी, बच्चों से ही सब कुछ है और बच्चों से ही घर की रौनक होती है जी। बिना बच्चों के तो ऐसे मतलब कि ऐसे लगता है कि घर में कोई है ही नहीं, और बिल्कुल भी मन नहीं लगता है जी। लेकिन क्या करें, कहते हैं ना पढ़ाई भी ज़रूरी है जी, आजकल पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है, तो बेटा जी के बिना मन तो नहीं लगता है। लेकिन कहते हैं ना भाई, अपनी भाषा में दुख पाया ही सुख हुआ जी, तो इसलिए भाई थोड़ा सा एडजस्ट मम्मी और बेटे को करना पड़ रहा है। और बातों ही बातों में हमारी झाड़ू लग चुकी है जी, बस थोड़ी सी और बची है, बातों ही बातों में सारी झाड़ू तो मैंने लगा दी है जी। और आजकल भाई मौसम ऐसा ही हो रहा है, कभी धूप कभी छाँव, क्योंकि बारिश तो नहीं हो रही है, गर्मी हो रही है वैसे तो, लेकिन मौसम ऐसा ही है भाई, बादल छाए हुए हैं, नहीं तो क्या सुबह सुबह धूप निकल जाती है। तो अभी भाई झाड़ू लगा करके और मैं लगाने लग गई हूँ जी पोछा, क्योंकि बस सुबह के तो यही काम होते हैं जी अपने, और भाई इनका कोई अंत भी नहीं है सच पूछो तो। साफ सफाई का कितने रोज करते हैं, और एक दिन भी पोछा मतलब ऐसे लगता है पता नहीं कितने दिन हो गए, पूरे दिन यही दिमाग में रहता है भाई आज तो पोछा नहीं लगाया, और भाई दिखता भी नहीं अपनी डेली रूटीन के जो कामकाज हैं, बस जेंट्सों को नहीं दिखते हैं भाई, वो तो बोलते हैं क्या करते हो, लेकिन उनको क्या पता भाई, औरतों के काम तो ऐसे ही होते हैं, पता ही नहीं लगता है, और एकदम से टाइम भी ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि घर बोलते हैं भाई बड़े बुजुर्ग के घर के काम और राम के नाम का कोई अंत नहीं है, कितना ही कर लो, और राम के नाम भी भाई जितना लो उतना ही अच्छा है, और घर का काम जितना करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम देके अच्छे से साफ सफाई करके करेंगे तो टाइम लगेगा, चाहे कितना ही टाइम लगा लो जी। तो इसीलिए कहते हैं भाई बड़े बुजुर्ग कि घर का काम को और राम के नाम को, अपनी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं भाई, क्योंकि हम तो राजस्थानी हैं और पूरी मारवाड़ी बोलते हैं भाई अपनी, तो इसलिए कभी कभी अपने नाम और अपनी भाषा में जो होते हैं ना, वो सच में उनमें मज़ा ही कुछ और होता है भाई, दमदार होती है अपनी भाषा। और इधर साफ सफाई करके भाई आज बना रहे हैं खिचड़ी, तो ये मैंने चावल और दाल दोनों साफ कर लिए, क्योंकि आजकल बारिश के मौसम में भाई थोड़े से वो कीड़े वगैरह पड़ ही जाते हैं, तो ये मैंने एक कप लिया है भाई, ये कप बोलते हो गई आप लोग, आजकल भाई मॉडर्न जमाना आ रहा है, ये कप लिया जी, क्योंकि हम एक कप लिया है तो इसमें पानी डबल डाल देंगे ना कुकर में, तो एकदम से बढ़िया खिचड़ी बन जाएगी जी, फटाफट से ही खिचड़ी बनाएंगे जी कुकर में, फटाफट से सिटी मार करके। और थोड़ी सी वही दाल बनाई है, तो दाल तो बन चुकी है, दाल और रोटियां भी बनाई हैं जी, तो इधर वही हमारी दाल उबल चुकी थी, बन चुकी थी, दाल की रेसिपियाँ काफ़ी बार दिखा दी, तो आज तो खिचड़ी की दिखाएंगे जी और ये वही कप है भाई जिसमें हमने चावल लिए थे ना, तो ये दो कप इसमें पानी के डाल देंगे जी कुकर में, डबल जितने यानी कि आप एक गिलास लो तो डबल डबल होना चाहिए भाई पानी, तो इसलिए मैंने चावलों को अच्छे से वॉश कर लिया है भाई, अच्छे से वॉश करने के बाद में इसके कुकर के अंदर डाल दिया है जी, क्योंकि कुकर में बनाएंगे तो फटाफट से बन जाएगी। और भाई हमारी जो मिक्स दाल है वही लिए, तो उसमें थोड़ी सी चने के दाल है ना, तो ऐसे बनाएंगे तो बनती नहीं है जी, काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी डाली है जी इसके अंदर,
और ये थोड़ी सी इसके अंदर ही चीनी डाल दी है जी, क्योंकि इसके अंदर ही डाल के बनाएंगे तो टेस्टी बनती है जी। और ये थोड़ा सा इसके अंदर घी डाल देते हैं, क्योंकि भैया आजकल पता नहीं मेरे गले में क्या हो रहा है, कोई ठंडी चीज़ कुछ, क्योंकि मौसम ऐसा ही रहता है ना, तो कुछ खाने की वजह से गले में बिल्कुल भी ऐसे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा होने वाला है असर, तो इसलिए अंदर ही डाल देते हैं जी। अंदर डाल देंगे तो ज़्यादा असर नहीं करेगा मेरे गले में। और भाई इसको कुकर ने मार दी है सीटी, और बातों ही बातों में ये देखो भाई कितनी टेस्टी बनी है, एकदम से खिचड़ी बन के रेडी हो गई। ये देखो भाई देखने में बहुत ही टेस्टी और हेल्थी दोनों है जी। आप लोगों को भी खानी है तो आइए जी, एकदम से देसी घी और चीनी सब कुछ इसके अंदर ही है, और हल्दी इसलिए डालते हैं भाई थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है मुझे इसका, जो ऐसे बिना हल्दी के बनाते हैं ना कलर अच्छा नहीं लगता। और भाई मूंग की दाल से बनाओ तो और भी टेस्टी बनती है, लेकिन हमने बनाई है जी मिक्स दाल से। ये लो जी खाना है रेडी, आइए जी आपका वेलकम है, और हम भी खाते हैं जी, आप लोग भी आइए जी, एकदम से तैयार है प्लेट। ये लो जी खिचड़ी खा ली है जी और बहुत ही टेस्टी बनी है भाई। आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट्स करके बता देना जी, अच्छी लगी हो तो, और ना लगी हो तो भी बता देना जी, मन खुश करने के लिए बता देना भाई अच्छी बनी है, क्योंकि गर्मी में हालत हो जाती है बुरी, और थोड़ी सी भैया अंगुली में भी ये देखो प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैंने सोचा खिचड़ी बना लेते हैं जी। काफी दिन हो गए आजकल खिचड़ी नहीं बनाई थी, तो खिचड़ी बना ली, थोड़ी सी रोटियां बना ली, तो खिचड़ी बना ली तो रोटियां कम ही बनानी पड़ी है जी, पता है ना आप लोगों को, क्योंकि कभी कभी खानी चाहिए भाई खिचड़ी, दलिया भी खाना ही चाहिए जी, हल्का भोजन होता है। और वही पसीना अभी सूखा नहीं तो ऐसे टपक रहा था कि पूछो मत, हालत हो जाती है बुरी भाई। सोच तो ऐसे रहे थे कि बारिश आ जाएगी तो थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी, मौसम सुहाना हो जाएगा, लेकिन नहीं जी, वैसे तो ठंड तो हुई है जी थोड़ी सी, लेकिन अंदर है ना अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, बाल है ना बाल भी पूरे ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हमने अभी अभी इनको वॉश किया भाई, धोया है बाल है ना, इनको धोए हैं, ऐसे लगता है आजकल भाई थोड़ा सा इंग्लिश का जमाना आ रहा है तो मैं भी वॉश बोल देती हूँ जी, नहीं तो भाई हम तो ऐसे ही बोलते हैं भाई बाल धोए हैं इसलिए जी। और बस आप लोग कमेंट्स करके बताना भाई हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो हम भाई लाइक और शेयर भी कर ही देना जी, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर ही देना जी, क्योंकि सब्सक्राइब कर दोगे तो हम जो भी अगला व्लॉग डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा जी, तो आप लोग हमारे अगले व्लॉग भी देख सकते हो, इसलिए भाई जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, और जो भाई पुराने हैं वो लाइक और कमेंट्स कर देना, ना अच्छा लगा हो हमारा व्लॉग तो भी कमेंट्स जरूर कर देना जी, ताकि हमें पता लगे भाई जो कुछ कौन सी कमियां हैं। कहते हैं ना अपनों का साथ हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और कमियां बताना अपनों का ही काम होता है जी, खुद को पता नहीं लगता है, जो दूसरे होते हैं वो पीठ पीछे से वार करते हैं, कमियां नहीं बताते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो मेरे अपने YouTube फैमिली वालों आप मेरे अपने हो, इसलिए वही जरूर बता देना, और यही करेंगे अपने ब्लॉग का एंड। बाय बाय, राम राम जी सभी को, थैंक यू जी, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और मिलते हैं जी अगले ब्लॉग में, थैंक यू जी, राम राम, बाय बाय, राम राम जी सभी को, मिलते हैं अगले ब्लॉग में जी, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना।